मैं चरण सिंह सापरा के पास ना चाहता हूं। चरण सिंह सापरा, आपकी बात बीच में रह गई थी, मैं जो बात यहां पर प्रियंका जी के पास लेकर गया था वही आप, मैं आपके से सवाल पूछता हूं। बहुत अच्छा है कि यहां पर आप कह रहे हैं कि आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति हमारे पास है, उनका यहां पर सम्मान होना चाहिए वाकई, और उनका उनको ये होना चाहिए कि वो संसद के नए भवन का उद्घाटन करें। लेकिन यही वो महिला थी जब वो चुनाव में खड़ी थी और आप लोग उनके साथ नहीं थे, उस समय तो ये मैसेज नहीं गया कि आप आदिवासी महिला के साथ खड़े। देखिए, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जो आज की व्यवस्था में जो हमको आज नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, और ये भी मुमकिन है मोदी के राज में कि यहां पर एक महिला जो आदिवासी महिला राष्ट्रपति है उसका अपमान हो सकता है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो सकता है, ये मोदी है तो मुमकिन है। और ये वही मोदी है जो कैमरा जीवी है, जो जुमला जीवी है, शिलान्यास जीवी है, वही मोदी है। देखिए, आप लोकतंत्र में हैं, आप लोकतंत्र में विरोध करिए, आप बोलिए, आप प्रधानमंत्री का विरोध करिए, लेकिन मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ चरण सिंह सापरा जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। उस वक्त जब ये राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ी थी तब आपने इनका साथ नहीं दिया था? अगर बीजेपी आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाना चाहती थी, अगर बीजेपी किसी आदिवासी महिला की का सम्मान कर रही थी, तब भी आपने, क्योंकि आपके पॉलिटिकल डिफरेंस से, आपने आदिवासी समाज की महिला का साथ नहीं दिया उस वक्त। अच्छा, हमने अगर तभी साथ नहीं दिया इसलिए ये अभी उनका साथ नहीं दे रहे, इसलिए पीआरजीवी, इसलिए टीआरपीजीवी, इसलिए प्रचार मंत्री जो है वो इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति आएगी तो उनका नाम दर्ज नहीं होगा, अपने नाम की खातिर वो राष्ट्रपति के पद का अपमान कर रहे हैं, इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं? बिल्कुल, ये राष्ट्रपति का और संवैधानिक मूल्यों का अपमान है, ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ। और ये आपके पुराने साथी क्या कह रहे हैं, मैं जरा ये दिखा देता हूँ, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। आपके पुराने साथी क्या कह रहे हैं, घमासान इतना मचा हुआ है, आप लोग बायकॉट कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री, पूर्व कद्दावर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम, वो क्या कह रहे हैं, गुलाम नबी आजाद, सुनिए उन्होंने क्या कहा है। गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान आया है नए संसद भवन पर। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के समय ही बनाने की योजना थी, 2026 के पहले ही नए संसद भवन को बनना था, नई बिल्डिंग अच्छी बनी है, सुनिए क्या कह रहे हैं वो। आज से 30-32 साल पहले जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री जी थे तो शिवराज जी ने एक दफा मुझे अपने कमरे में बुलाया स्पीकर के, कहा देखें 2026 से पहले नया पार्लियामेंट और बड़ा पार्लियामेंट बनना चाहिए। नया पार्लियामेंट बनाने की बात है तो ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारी ही कांग्रेस की, तब जिसमें कांग्रेस में था, ये 32 साल पहले हमें, हमारी ये सोच थी कांग्रेस की, और ज़रूरी भी थी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती तो उसको करना ही था। अब बताइए चरण सिंह जी, आप ही लोगों की सोच है उसी को ये मौजूदा सरकार आगे बढ़ा रही है, आप कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन आप ही की सोच को तो मुमकिन करके दिखाया इन्होंने, जो आप नहीं कर पाए वही तो किया इन्होंने। आज सवाल ये हो रहा है कि उसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी ने करना चाहिए था, सवाल ये है, कहीं गुलाम नबी आजाद जी ने ये कहा क्या कि राष्ट्रपति जी ने इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए और प्रधानमंत्री ने करना चाहिए, या माननीय स्पीकर साहब ने जो निर्णय लिया वो उचित निर्णय, क्या इसके ऊपर गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा? गुलाम नबी आजाद जी ने ये कह दिया कि प्रधानमंत्री को इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए, ये सरकार, यही तो बात है, अपनी अपनी व्याख्याएं कर रहे हैं आप लोग। गुलाम नबी आजाद जी ने कहा, कह दिया कि इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, इससे पहले जो गुलाम नबी आजाद जी के पहले जो बात आपने कही वो ज्यादा बड़ी बात है, आपने कहा कि बीजेपी राष्ट्रपति का अपमान कर रही है, सुनिए मैं प्रेम शुक्ला जी से इसका जवाब लेता हूँ, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। देखिए, अपमान राष्ट्रपति का किया है तो कांग्रेस के लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपमान किया है, रामनाथ कोविंद जी का बारंबार अपमान श्रीमती सोनिया गांधी ने किया, और एक दलित को जब राष्ट्रपति, जो ईसाई थे नारायणन जी, उनका जब उम्मीदवारी घोषित हो तो भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया कि आप उनको राष्ट्रपति दीजिए, हम उनको समर्थन देंगे, लेकिन एक जब दलित राष्ट्रपति बना तब विरोध किया गया, एक अनुसूचित जनजाति की महिला जब राष्ट्रपति बनी तब विरोध किया गया, तो इनके मन में राष्ट्रपति पद पर एक जनजाति की महिला बैठी कैसे, ये विरोध तो था ही, राष्ट्रपति जैसे शब्दों का प्रयोग किया, उनके रूप रंग तक पर इन्होंने जो है, नहीं तो मेरा एक सवाल है यहां पर, मैं सुनील साजन के पास जाऊंगा, प्रेम शुक्ला जी आपसे सवाल, मैं प्रियंका जी आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी, जी अगर आप कह रहे हैं कि आपने सम्मान किया और वाकई आपने यहाँ पर एक कैंडिडेट दी राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति बनी भी है, देश की महामहिम है, तो आपको लगता नहीं कि बीजेपी को यहाँ रिक्वेस्ट करनी चाहिए
क्योंकि एक मैसेज गलत जा रहा है यहाँ पर, जो विपक्षी दल कोशिश कर रहे हैं एक मैसेज गलत भेज रहे हैं कि आप लोग राष्ट्रपति से का सम्मान नहीं कर रहे, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको लगता नहीं कि ये मैसेज गलत चला जाए? भारतीय जनता पार्टी संवैधानिकतर कार्य नहीं करती कि प्रधानमंत्री पद पर बैठे रहे जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह और राहुल गांधी बिल फाड़ कर फेंक दें, वो यूनाइटेड नेशंस, यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष का जो अधिकार है उसमें भाजपा क्यों हस्तक्षेप? ठीक है प्रियंका जी, कुछ सवाल ले रही, बोलिए प्रियंका जी। ये हर बात पे कांग्रेस पे चले जाते हैं, कांग्रेस ने ऐसा किया, अगर कांग्रेस ने कुछ गलत किया तो आप और गलत करके दिखाएंगे? नहीं, सही कर रहे हैं, गलत क्या किया? आप बुलाइए, गलत क्या किया? आप क्यों नहीं बुला रहे? गलत किया? आप बुला क्यों नहीं रहे? मत पूछ तो रही हूं, लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार है। अरे आप बात कर रहे, क्यों नहीं बुलाएंगे आप? अरविंद केजरीवाल तो अराजकतावादी है, सिंबलिस्ट नहीं है, ये क्या बात हुई? सिर्फ सिंबलिस्ट नहीं है, सिर्फ दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तरह भ्रष्टाचार देखी नहीं है। आप महाभ्रष्ट पार्टी है, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार शासन कार्ड जैसे शब्द को आपने देख लिया, क्या रिजल्ट निकला है? शासन कार्ड जैसे शब्द को जो है, अरे आप छोड़िए, आप किसी का काम होने देते ना, कर्मचारियों की पार्टी है, अनाचारियों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, अराजकतावादियों की पार्टी है, आप क्या बात कर रहे हैं? आपके पास है सुप्रीम कोर्ट का, भ्रष्टाचारियों को पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे, ये सब छोड़िए, जेल में आप प्रधानमंत्री की भ्रष्टाचारियों को उठा कर ले जाएंगे, आप प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट देखिए, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, वो दायित्व है हमारा, इन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने बताया दलितों को मंदबुद्धि, क्रांतिकारी नहीं है अंबेडकर, ये नरेंद्र मोदी जी का मानना है, इसलिए नहीं बुलाते, ये लिखा उन्होंने, ये देखिए। जवाब दे ले प्रेम शुक्ला जी, क्या जवाब देना चाहते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जो सारा विरासत है उसको वैभवशाली अगर किसी ने बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया। प्रियंका जी, अगर किसी ने किया तो भ्रष्टाचारवादी अरविंद केजरीवाल ने किया। एक मिनट, अभी उस पर नहीं जा रहे, अभी नए संसद भवन चलाते हैं। चोर है, चिरकुट है, चोर है, चोर है, भाषा का गलत इस्तेमाल, नहीं नहीं भाषा का गलत इस्तेमाल, हटाइए हटाइए, 40% सरकार, एक मिनट, गलत गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं।